डॉक्टर राम पुनियानी जी की पुस्तक हिंसा सांप्रदायिकता मिथक और यथार्थ के पिछले एपिसोड में हमने बाबर को लेकर चर्चा करी थी कि बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी और उस समय के शासकों की मंशा क्या थी इसे शुरू करने के पीछे, और साथ ही हमने जाना बाबर का वो वसीयतनामा जो उन्होंने अपने बेटे हुमायूं के लिए लिखा था, जिसमें वे साफ तौर पर जिक्र कर रहे हैं कि सभी धर्मों का सम्मान एक बराबर होना चाहिए और इस्लाम में जो खामियां हैं उसे सीधे सीधे नजरअंदाज कर दिया जाए। इससे पता चलता है कि बाबर कभी भी हिंदू विरोधी नहीं थे, जैसा कि उनके बारे में प्रचलित किया गया है, दुष्प्रचार किया गया। और ये सभी बातें आप राष्ट्रीय संग्रहालय में जाकर जांच परख कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसका भी रेफरेंस यहाँ पर कोट किया गया है। अब हम आज के एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं, चलिए मेरे साथ। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूँ, जय भीम फूल जौहार। आज के एपिसोड में हम इसका तीसरा अध्याय यानी कि थर्ड चैप्टर शुरू कर रहे हैं, जिसका विषय है राजाओं के बीच संधियां और युद्ध। शुरुआती दौर में या इतिहास में यदि हम झांकें तो कई तरह के राजाओं के साथ लड़ाइयां हुई हैं, हिंदू राजाओं की आपस में, मुसलमान राजाओं की आपस में, हिंदू और मुस्लिम राजाओं की आपस में। तो आखिर इसको धार्मिक चश्मे से जब पेश किया जाता है तो उसके पीछे की हकीकत कुछ और निकलती है। इतिहास को जानने के बाद उसी के ऊपर अब हम चर्चा करेंगे। और जितनी भी हेडिंग्स हैं, जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा, ये सारी हेडिंग्स दुष्प्रचार का माध्यम रही हैं। अब उन हेडिंग्स के पीछे की हकीकत हम जानेंगे। पहली हेडिंग है, हिंदू और मुस्लिम राजाओं की लड़ाइयों का मूल कारण था धर्म। ऐसा कहा जाता है कि हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से निरंतर युद्धरत थे। इसके कई उदाहरण दिए जाते हैं, इनमें से प्रमुख है राणा प्रताप और अकबर के बीच का युद्ध। राणा प्रताप का महिमा मंडल एक वीर और महान हिंदू राजा के रूप में किया जाता है, जिसने इस्लाम के विरुद्ध युद्ध किया। राणा प्रताप और अकबर के बीच युद्ध क्यों हुआ, इसके ऊपर कभी चर्चा नहीं की जाती, जो अब आप सुनिए। क्या इसका कोई धार्मिक कारण था? क्या ये हिंदू और मुसलमानों का युद्ध था? इस युद्ध में अकबर का प्रतिनिधित्व राजा मान सिंह कर रहे थे और शहजादा सलीम उनके सहायक थे। राजा मान सिंह की सेना में राजपूत सिपाही थे और सलीम के साथ मुस्लिम सिपाही थे। दूसरी ओर राणा प्रताप के तोपखाने के मुखिया हाकिम खान सूर थे, जिनके अधीन अधिकतर सिपाही मुसलमान थे। इस तरह दोनों पक्षों में हिंदू और मुसलमान सिपाही और सेनापति थे। तो कभी भी इसे धार्मिक चश्मे से देखने की गलती ना करें। यह युद्ध धर्म को लेकर नहीं हुआ था, बल्कि इसके पीछे पदवी का विवाद था। अकबर अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे और वे विभिन्न राजाओं को अलग अलग पदवियां दे रहे थे। उन्होंने राणा प्रताप को पंच हजारी विदिन ब्रैकेट्स है जो 5,000 सिपाही रख सकता है, क्योंकि छोटे छोटे राजा जो हैं, जो जिनके अधीनस्थ होते थे उस राजा के लिए अपने अंडर कुछ सिपाही वो रिजर्व रखते थे, जिसे समय आने पर राजा या बादशाह या शहंशाह इस्तेमाल में ला सकते थे। तो उसी का जिक्र शायद यहां पर है। पंच हजारी की पदवी देने की पेशकश की। राणा प्रताप को यह स्वीकार नहीं था, उन्हें 10,000 पदवी चाहिए थी। बाद में अकबर के पुत्र जहांगीर ने राणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह को 10,000 पदवी देने की पेशकश की, जिसे उन्होंने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया और वे जहांगीर के साथ हो गए। परंतु सांप्रदायिक तत्व इस घटनाक्रम को धर्म के चश्मे से देखते हैं और तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। मुझे याद है 2-3 साल पहले मेरा राजस्थान टूर लगा था, जहां पर मैं चौकी ढाणी गई थी। और पहले जब मेरे घर से मेरी मदर वगैरह वहां गए थे, तब वहां हल्दी घाटी का दृश्य नहीं बना हुआ था, लेकिन अब आज के संदर्भों में वो बना हुआ है। तो जो लोग बहुत साल पहले चौकी ढाणी गए हों और वो अब जाएंगे तो उन्हें ये फर्क देखने को जरूर मिलेगा, जिसमें बाकायदा
यही दिखाया गया है कि राणा प्रताप जो है वो कितने महान शासक थे, महान रहे होंगे जिन्होंने अकबर से लोहा लिया, मैं ये नहीं कहती, लेकिन ये विवाद धार्मिक नहीं था, इसी के पीछे लालच था सीधे तौर पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शिवाजी मुस्लिम विरोधी राजा थे, ऐसा भ्रम फैलाया जाता है शिवाजी को लेकर। अब इसके पीछे की हकीकत जान लेते हैं, यह सही नहीं है। उनकी सेना और विशेषकर नौसेना में अनेक मुस्लिम सिपाही थे और सिद्धि संबल उनके वफादार साथी थे। शिवाजी के गोपनीय मामलों के सचिव मौलाना हैदर अली थे और उन्हें आगरा के किले में कैद से भागने में मदद एक मुस्लिम मदारी मेहतर ने की थी। शिवाजी की सूफी संत हजरत बाबा बहुत थोर वाले और सूरत के फादर एम्ब्रोस पिंटो पर अगाध श्रद्धा थी। उन्होंने रायगढ़ में अपने किले के सामने जगदीश्वर मंदिर बनवाया तो वहीं एक मस्जिद भी बनवाई। उन्होंने अपनी सेना को यह निर्देश दिया कि विजित क्षेत्रों में लूटपाट के दौरान अगर उनके हाथ कोई धार्मिक पवित्र पुस्तक लगे तो वे उसे अपवित्र न करें और संबंधित धर्म के किसी व्यक्ति को सौंप दें। तो इतिहास अलग तरीके से देखने की जरूरत है, टोटालिटी में देखने की जरूरत है, उसे धार्मिक चश्मे से न देखें। यही मेरा बार बार आग्रह है इस पुस्तक को पढ़ने के दौरान। अब एक और घटना का जिक्र है जो उन्हें मुस्लिम विरोधी भ्रांति को खारिज करती है। कहा जाता है कि उनकी सेना ने कल्याण राज्य में लूटपाट के दौरान वहां के सूबेदार की सुंदर बहू का अपहरण कर लिया। इस मुस्लिम महिला को शिवाजी को भेंट किया गया। अन्य राजाओं के विपरीत शिवाजी अपने सेनापतियों पर बहुत नाराज हुए और उस महिला को अपनी मां के समान बताते हुए आदेश दिया कि उसे ससम्मान उसके पति के घर पहुंचा दिया जाए। क्या ऐसे व्यक्ति को किसी भी तरह से मुस्लिम विरोधी बताया जा सकता है? अफजल खान से मिलने जाते समय शिवाजी को लोहे के पंजे ले जाने की सलाह रुस्तम जमाल ने दी थी और जब शिवाजी ने अफजल खान के शरीर में लोहे के पंजे घुसेड़ दिए उस समय अफजल खान के सचिव कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी ने शिवाजी को मारने के लिए तलवार खींच ली थी। तो ये एक और इतिहास का पन्ना है जिसमें ये साबित होता है कि दोनों ही तरफ हिंदू मुस्लिम शासक कोई भी हो, उनके सिपा सालारों में जो भी काबिल था, चाहे वे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उसे तवज्जो जरूर दी जाती थी और उनकी वफादारी अपने शासक के प्रति होती थी, किसी धर्म के प्रति नहीं। तो ये राजधर्म है, इतिहास को राजधर्म के हिसाब से देखना चाहिए, ना के सांप्रदायिक धर्म के चश्मे से। हिंदू मुस्लिम युद्ध हमारे इतिहास का हिस्सा है। तो इसमें पुन्यानी जी ने बहुत सारे ऐसे किस्से हैं इतिहास से उठाकर लिखे हैं जिन्हें आप सुनकर समझ सकते हैं कि एक मुस्लिम शासक ने जब एक हिंदू शासक के ऊपर चढ़ाई करी या उससे युद्ध किया तो उनके सेना में सेनापति जो थे वो हिंदू थे और हिंदू शासकों के जो सेनापति थे वो मुस्लिम शासक थे। तो कुछ चुनिंदा उदाहरण हैं जो आम तौर पर कोट किए जाते हैं और आम जन की कम समझ इतिहास को लेकर होने की वजह से वे इन्हें समझने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। सुनिए, हिंदू मुस्लिम युद्ध हमारे इतिहास का हिस्सा है। सच यह है कि राजाओं के बीच गठबंधनों का धर्म से कोई लेना देना नहीं होता था। आइए हम कुछ गठबंधनों पर नजर डालें। अकबर प्लस मानसिंह विरुद्ध अर्थात वर्सेस राणा प्रताप प्लस हाकिम सूर, मतलब अकबर के जो सेनापति थे वो मानसिंह थे और राणा प्रताप के सेनापति जो हाकिम सूर थे। औरंगजेब और मिर्जा राजा जय सिंह वर्सेस शिवाजी की सेना में पठान मुसलमान और तोपखाने के मुखिया इब्राहिम गार्दी और मुख्य सलाहकार मौलाना हैदर अली। राणा सांगा ने बाबर को भारत आने के लिए निमंत्रित किया था, बाबर ने इब्राहिम लोदी के खिलाफ युद्ध किया था तो राणा सांगा ने बाबर को आमंत्रित किया था, जिसके बाद मुगल शासन की नींव हमारे देश में पड़ी। इस बारे में कितने लोग जानते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और बाबर ने जो युद्ध किया था वह इब्राहिम लोधी के विरुद्ध किया था और यहां के हिंदू राजा के निमंत्रण पर आकर।
शिवाजी की सेना के मुखियाओं में से एक वीर मुसलमान सिद्दी हिलाल था। सिद्दी इब्राहिम शिवाजी का अंगरक्षक था। जब शिवाजी प्रतापगढ़ में अफजल खान से मिलने गए, तब उनके साथ जो तीन अंगरक्षक थे उनमें सिद्दी इब्राहिम शामिल था। काजी हैदर शिवाजी का एक दूत था जो बाद में उनका सचिव बना। तो ये है इतिहास जिसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। धर्म उस समय व्यक्तिगत तौर पर लोग अपनाया करते थे, इसको सामाजिक तौर पर उस तरह से सांप्रदायिक मान्यता नहीं प्राप्त थी कि उसके पीछे इतनी लड़ाई हो जाए। तो यहां पर इसका ये तीसरा चैप्टर समाप्त होता है। अगले एपिसोड में हम इसके चौथे चैप्टर को डिस्कस करेंगे और जानेंगे और क्या क्या चीजें इतिहास में छुपी हुई हैं जिनका दुष्प्रचार जो है सांप्रदायिक तत्व कर पाते हैं क्योंकि आम जन को उससे सरोकार नहीं, उसकी समझ नहीं। इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए, लेकिन अम्बेडकर नामक को लाइक शेयर सब्सक्राइब और इन सभी वीडियो को अपने साथ साथ दूसरों को भी सुनाना न भूलें। धन्यवाद।